Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel. Hope you all are safe and sound. If you haven't subscribed to my channel yet, please do it right now. So guys, caption देख के और thumbnail देख के आपको समझ में तो नहीं आया होगा क्या बना रहे अपन, तो मैं इसके आपको बोल देती हूँ. आज अपन बनाएंगे oats pancake या फिर oats जीरा. ये बच्चों के लिए है बेसिकली, लेकिन बड़े भी खा सकते हैं. तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ये रेसिपी या फिर ये डिश बनाने के लिए मेरे बेटे मेरे साथ है, और ये एक्चुअली वन ऑफ द वे है बच्चों को बिजी रखने के लिए, क्योंकि उन लोग को बहुत खोज रहती है ना अपन क्या कर रहे हैं चूल्हे में मिलकर, चुप चुप आके झाँकते रहते हैं. तो वो एंशियसनेस और जो खोज बना रहता वो दूर करने के लिए ये चीज़ आप कर सकते हैं. शो देम वॉट यू आर मेकिंग वेन एवर दे कम टू यू, मम्मा वॉट आर यू डूइंग, या फिर किचन के पास आने जाते, टेल देम नॉट टू डू इट एंड शो देम वॉट आर यू डूइंग, वॉट आर यू मेकिंग, सो दैट यू नो उन लोग का जो एन्जाइटी एंड एंशियसनेस रहता वो कम हो जाता. एक ज़बरदस्त टिप रहने वाली है वीडियो के एंड में, तो मेक श्योर यू वॉच द फुल वीडियो. अब ओट्स पैनकेक बनाने के लिए हमें चाहिए, अच्छा सबके दिमाग में आया होगा अरे उन्होंने बर्तन ले लिया शायद, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास, पहले से थे रखे हुए. सो लेट्स गेट बैक टू द वीडियो. ओट्स पैनकेक बनाने के लिए हम लोग को चाहिए 1/2 कप ऑफ ओट्स, 1 potato, 1 egg, 1 tablespoon बटर, 1/4 teaspoon रेड चिली पाउडर एंड 1/4 teaspoon सॉल्ट, या तो फिर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. अब नेक्स्ट स्टेप अपना क्या है, आलू लेना. आलू को ब्रोकश के ऊपर घसना है, वो बारीक वाले साइड पे घसना है. ज़रा एक्साइटमेंट में आके घस 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 मत करो, उंगली भी घसे जाएंगी ज़रा देख के, क्योंकि मेरी घसे गई इसीलिए बोल रहा हूँ. अब ये आलू ग्रेट करे बाद एकदम पेस्ट के जैसा बन जाता और अच्छे से कुक हो जाता वो जब अपन पैन में डालते. फिर नेक्स्ट स्टेप अपना है ओट्स को फाइन पाउडर में टर्न करना है, ग्राइंडर में डालो और गिर बोल के फिरा दो, पाउडर बन जाता है 1 सेकंड में. 1 सेकंड नहीं मतलब आई डोंट नो 15 सेकंड्स. अब अपने पास पाउडर्ड ओट्स है और ग्रेटेड पटेटो है, लेट्स स्टार्ट. बैटर बनाने के लिए अपन को एक बाउल में पाउडर्ड ओट्स डालना है. पाउडर्ड ओट्स डालने के बाद उसके अंदर ग्रेटेड पटेटोस, एग, रेड चिली पाउडर एंड सॉल्ट. अब बाजमायों को हिरिस रहती है ड्राई फ्रूट्स खिलाना बोल के, ड्राई फ्रूट्स का पाउडर डालना है तो डाल सकते हैं, अगर आपको ऐसे ही सिंपल रखना है तो सिंपल रखिए. एंड गाइज यू नो व्हाट, ओट्स आर हाई इन फाइबर एंड बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, मतलब आप गूगल भी कर सकते हैं जानना है तो. अब वो बैटर अपन जब बनाते थे उसके अंदर 1/4 कप वाटर डालिए, और वो भी वार्म वाटर, ठीक है. अब उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए. अच्छे से मिक्स करे बाद एक पैन को प्री हीट कर लीजिए. प्री हीट करे बाद बटर डालिए. बटर डालने के बाद ये कंसिस्टेंसी का बैटर रहना आपका, इसको पैन के ऊपर डाल दीजिए. पैन के ऊपर 1-2-3 चम्मच डाले बाद उसको एक सर्कल शेप, या कभी हार्ट बन जाता कभी रेक्टेंगल बन जाता, तो उसके हिसाब से आप जो भी शेप बनाना है आपके बेटे को या बच्चों को बना के दे सकते हैं. अब अपने गरम गरम ओट्स के डोसे रेडी है, उसके ऊपर चीज़ डाल के खाइए, बेहतरीन दिखते हैं, बहुत टेस्टी रहते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं. मेरा बेटा एक पिकी ईटर है, बहुत सताता खाने एंड ही लव्ड इट. सो गाइज आज की टिप ऑफ द डे है पूरा माया खुश हो जाएंगे. अगर आपका बच्चा अधमड़ा है तो बिल्कुल भी किचन में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन लोग अंडा गिरा देते. प्लीज़ देख समझ के काम करो अपनी सहूलत के हिसाब से. सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आज के लिए सिर्फ इतना ही. इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब इट, एंड दैट्स इट फॉर टुडे. बाय बाय.